अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद अहमद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जी एस वर्ल्ड शोज। प्यारे दोस्तों, इस देश में सरकार की आलोचना करना मतलब गुनाह सा हो गया है। अगर आप पत्रकार हैं और आप पत्रकारिता करते हैं तो ये खबर जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पत्रकारों पर लगातार FIR पर FIR हो रही है और उन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। इसी कड़ी में भी एक सीनियर पत्रकार आ गए हैं। सीनियर पत्रकार विनोद दुआ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने पर FIR दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने पत्रकार विनोद दुआ पर FIR दर्ज की है। FIR बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार की शिकायत पर दर्ज की गई है। नवीन कुमार ने अपनी शिकायत में ये दर्ज कराया है कि विनोद दुआ ने अपने शो द विनोद दुआ शो में फर्जी खबरें चलाई हैं। बीजेपी प्रवक्ता का ये कहना है कि फरवरी के महीने में जो दिल्ली दंगे हुए थे उस पर विनोद दुआ ने गलत रिपोर्टिंग की थी। साथ ही कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने आए ज्योतिरादित्य सिंधिया, तब भी विनोद दुआ ने गलत रिपोर्ट जारी की। FIR दर्ज होने की खबर खुद विनोद दुआ ने अपने फेसबुक पेज से दी। विनोद दुआ ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, प्रिय दोस्तों, बीजेपी ने मेरे खिलाफ दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज कराई है। मैं इतना महत्व रखता हूं। अंग्रेजी वेबसाइट से बातचीत करते वक्त विनोद दुआ ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक उनसे किसी भी तरीके का कोई भी संपर्क नहीं किया है। विनोद दुआ के खिलाफ FIR होने के बाद पत्रकारिता बिरादरी में एक हलचल सी मच गई है, क्योंकि विनोद दुआ एक सीनियर पत्रकार हैं और बहुत से पत्रकार उनको सपोर्ट करने के लिए उतर आए। पत्रकार आशुतोष ने ट्वीट कर कहा कि विनोद दुआ एक आइकॉनिक पत्रकार है और FIR के मुताबिक देश के लिए एक खतरा, और अगर ऐसा है तो देश का हर पत्रकार देश के लिए खतरा है। ये कुछ और नहीं बस आवाज दबाने की कोशिश है। सीनियर पत्रकार आशुतोष का यह कहना है कि विनोद दुआ पर FIR दर्ज करना प्रेस की आजादी को खत्म करने की एक कोशिश है। पत्रकार माधवन नायर ने एक ट्वीट के जरिए अपना विरोध जताया। माधवन ने अपने ट्वीट में ये कहा, व्हेन जर्नलिस्ट आर क्वेश्चन्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन्स और मेकिंग कमेंट्स द फर्स्ट कैजुअलिटी इज डेमोक्रेसी इटसेल्फ। फ्रीडम ऑफ स्पीच हैज नो मीनिंग विदाउट फ्रीडम ऑफ थॉट्स #विनोद दुआ। इसका मतलब ये हुआ, जब पत्रकार से सवाल पूछते वक्त सवाल किया जाता है उसी वक्त लोकतंत्र की हत्या होना शुरू हो जाती है। जब तक सोचने की आजादी नहीं दी जाती है तब तक फ्रीडम ऑफ प्रेस का क्या फायदा। इसी के साथ साथ हमेशा सुर्खियों में रहने वाले पत्रकार अभिसार शर्मा ने भी हैरानी जताई है। अभिसार शर्मा ने कहा, विनोद दुआ इस देश के एक वरिष्ठ पत्रकार है और उन्होंने हमेशा सलीके से अपनी बात को देश के सामने रखा है। अगर विनोद दुआ ने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट दिया है तो पहले उस पर जांच होनी चाहिए। साथ ही अभिसार शर्मा ने दिल्ली दंगों का मामला उठाते हुए कहा, कपिल शर्मा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और यहां तक कि उनका नाम चार्जशीट में भी नहीं लिया गया। लेकिन विनोद दुआ जो इस देश के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। एक और पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने विनोद दुआ के खिलाफ हुई FIR का विरोध जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आइकॉनिक पत्रकार विनोद दुआ के शो द विनोद दुआ पर FIR दर्ज कराई गई है। ये हमला सिर्फ दुआ पर नहीं हम सब पर है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में उन लोगों पर हमला किया जा रहा है। लोग लोकतंत्र के साथ खड़े रहते हैं। प्रेस की आजादी को खत्म करना बंद करो। तो जैसा कि आपने देखा, सभी वरिष्ठ पत्रकार निकलकर सामने आए हैं और उन्होंने दुआ को सपोर्ट करते हुए अपनी अपनी बात सामने रखी है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपने हमारा चैनल GS वर्ल्ड शोज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, कि हम आपकी खिदमत में रोज की एक वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।